का स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये जा चुका है, अभी भी ये काफी साल से चलेगा। यहाँ पर दूसरा पौधा भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस जगह आप देख सकते हैं इतने नज़दीक हमने पौधा लगाया और ये चला है, क्योंकि ये मोटी बाल्टी में अगर आप लगाएंगे तो चल पड़ता है आपका। बाकी तो अब इसकी प्रूनिंग ये अभी भी चल रहा है, इसको हम मेंटेन करेंगे जब तक ये चलता है। नया पौधा यहाँ तैयार हो गया है, तो इस तरह के पौधे की कटिंग किस तरह से करें ये आप देख सकते हैं। यहाँ ये टच हो रहा है, जिस वजह से ये जो इसका लीडर है वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा, तो इसे हमने बंद ही करना है ताकि ये ओवरलैप भी ना हो। तो हम इसे यहाँ से भी इसे निकाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। और कट थोड़ा इसका शार्प लगाए ताकि यहाँ पर आपके पानी ना टिक पाए। ये यहाँ से रिंग से मैं इसे बंद कर दूंगा यहाँ से, तो ये वाला टहना हमने बंद कर दिया है। ये वाला टहना भी अगर हम आप देखें तो ये इस तरह से आना है और इसके बाद जगह है, तो यहाँ से तो ये इसमें टच कर रहा है, तो इसको मैं निकाल दूंगा, इसको भी मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप हो रहे है। और फिर ये आएगा यहाँ पर, इसको इस तरह से आएगा और ये यहाँ से पीछे से ही इसे काटना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये आगे से खराब हो चुका है, तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ से ग्रोथ आ जाती है जो आपकी लास्ट टू लास्ट ईयर है। उसके बाद है ये वाला टहना, इसे हम इस तरह से खींचेंगे, ये भी अभी सही जा रहा है, डायरेक्शन स्पेस है यहाँ पर, तो इसे हम निकालेंगे, जो इसमें टच होने वाला होगा वही हम निकालेंगे। वैसे ही आप ये टहना भी देख सकते हैं, इसे हम यहाँ से रोक देंगे, यहाँ बड है और यहाँ पर इसे निकाल देंगे, इसे यहाँ से रोक देंगे, इसको हम रोक देंगे यहीं से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर सेब लगा है, आपको अगर दिख रहा होगा ये तो ये सेब की पहचान है। वैसे यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ पिछले साल रिंग कट था, इसे यहाँ से रोक देंगे, उसको वहाँ सेब वाले से रोक देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सेब लगा था, इसको यहाँ से रोक दिया, इसको हमने रहने देंगे। और ये ऊपर हो गया जाली से ख़राब, तो इसे हम कट कर देंगे यहीं से ही, ताकि इसमें नई ग्रोथ आ सके पिछले से, पिछले साल वाला, और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। और इसमें यहाँ से टूट सकता है, टूटेगा ही, बल्कि इस वाले को हम यहाँ से रोक देंगे। इसको हमने बनाना है टहना, आई जिसकी बाहर को रखते हैं, ये वाला भी हम निकाल देंगे, ये सही डायरेक्शन में टहना है इसका, ये गलत था। उसके बाद इसे यहाँ से रोक देंगे, इसमें भी थोड़ी सी हेडबैक देंगे, वैसे ये टहना तो बनना नहीं है। और उसके बाद उसे रोक देंगे इस तरह से, उसके बाद देख सकते हैं आप इसकी ऊपर भी हो सकता है। और इसको कोशिश करता हूँ कि नया टहना बन जाए, ये हो रहा है यहाँ पर टच पर, इसे टहना भी बना ही लेते हैं। और इसे हमने यहाँ से रोक दिया इस तरह से, ये यहाँ इसमें बीमा ज़्यादा हो गया है, तो इसको यहाँ से मैंने इस तरह से कट कर दिया, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कट इस तरह से। उसके बाद इसका है ये वाला टहना, यहाँ इस तरह से, और इसको रोक देंगे हम इस तरह से, इसको यहाँ देख सकते हैं आपसे एक लगा था, इसे यहाँ से रोक देंगे, इसे रोकेंगे हम यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से एक लगा था इस तरह से। और ये खंभे वाली पिन हमने निकाल देनी है, छोटी धागे तरह के बीमे जो आपके दूर हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पीछे भी इसमें बड़े, ये काफ़ी दूर आ गया, तो इसको आप पीछे कर सकते हैं इस तरह से। जितना नज़दीक आप बीमा रखेंगे उतना आपका जो सेब होगा वो अच्छा बनेगा हर तरह से। तो ये वाला पेड़ आप देख